हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडोबी प्रीमियर प्रो CS3 के अंदर ये बताऊंगा कि क्रॉलिंग टेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे। क्रॉलिंग टेक्स्ट, तो मेन्यू बार में जाएं, एडोबी प्रीमियर के मेन्यू बार में जाएं, यहाँ आए सीक्वेंस मार्कर टाइटल, टाइटल में क्लिक करें, न्यू टाइटल, न्यू टाइटल, टाइटल के बाद न्यू टाइटल में जाएं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, डिफॉल्ट स्टील, डिफॉल्ट रोल, डिफॉल्ट क्रॉल पे क्लिक करें। डिफॉल्ट क्रॉल, न्यू टाइटल का एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे जिस नाम से आपको टाइटल क्रिएट करना है यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा। मैंने दिया गॉड, GOD गॉड, गॉड नाम से मैं एक टाइटल तैयार कर रहा हूँ। क्लिक किया मैंने, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक अलग सा आपको विंडो दिखाई देगा, विंडो आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसे टाइटल विंडो कहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में टाइटल विंडो को लेफ्ट हैंड साइड में अगर टाइटल टूल्स आपको नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे जो विंडो है, ये टाइटल का विंडो है, इसे जरा छोटा कर लें तो आपको दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये टाइटल टूल्स आपको दिखाई देंगे। तो आपको सब क्या करना पड़ेगा, क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा इस जगह पे विंडो में। तो उसके लिए क्या करें, ये टाइप टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे माउस पॉइंटर रखेंगे यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा टाइप टूल, बगल में आपको वर्टिकल टाइप टूल है, तो वह क्या करना है, टाइप टूल पे क्लिक करें और ये टाइटल का जो विंडो है यहाँ पे क्लिक करें। करने के बाद जिस सेंटेंस को आपको क्रॉल करना है वो टाइप करना होगा। मैंने टाइप किया गॉड इज वन, मैंने टाइप किया गॉड इज वन। अब जनरली क्या होता है, जो क्रॉलिंग टेक्स्ट जो रहते हैं वो हमेशा देखिए वीडियो के नीचे आपको दिखाई देगा, वीडियो के ऊपर क्रॉल करता हुआ गुजरता हुआ दिखाई देगा आपको। तो इस ये जो सेंटेंस है गॉड इज वन, इसे मुझे जरा नीचे रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पिक टूल पे क्लिक करें, करने के बाद इसे आप इस तरह ड्रैग करके इस जगह पे नीचे रखते हैं। रखने के बाद यहाँ देखें, ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आपको इधर ये इसे जरा स्कैटर कर देता हूँ। आपको यहाँ पे इसके बगल में आप जैसे माउस पॉइंटर रखेंगे ये आइकन पे, वहां दिखाई देगा रोल क्रॉल ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करें। करने के बाद रोल क्रॉल ऑप्शन का एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल टाइप आप दिखाई देगा, स्टील रोल क्रॉल लेफ्ट क्रॉल राइट, आपको क्या करना है क्रॉल लेफ्ट पे क्लिक करें। और नीचे देखें टाइमिंग फ्रेम्स, आपको क्या करना है, अगर ये ऑन नहीं है तो इसे ऑन कर दें, स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, उसके बाद एंड ऑफ स्क्रीन। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन मतलब होता है कि जब वहाँ कुछ नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा स्क्रीन, उसके बाद टेक्स्ट आएगा। स्टार्ट ऑफ स्क्रीन को ऑन कर दें और एंड ऑफ स्क्रीन को ऑन कर दें, उसके बाद ओके पे क्लिक करें। करने के बाद आप ये जो टाइटल का विंडो जो ओपन किया हुआ था इसे आप क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे प्रोजेक्ट विंडो में जाएं, यहाँ देखेंगे सीक्वेंस वन, उसके नीचे देखेंगे गॉड, गॉड नाम से मैंने टाइटल तैयार किया था, नेम दिया था स्टार्टिंग में, ये आ गया। इसे क्या करना है, टाइमलाइन पे लाके आपको ड्रैग करके रख देना है। मैंने इसे वीडियो वन के ट्रैक पे रख दिया। उसके बाद इसे प्ले करके हमें देखना पड़ेगा कि मेरा टेक्स्ट क्रॉल हुआ है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम सीक्वेंस विंडो में जाएं, ये मैं प्ले बटन ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट क्रॉल हो रहा है, ये देखिए क्रॉल हो रहा है। ये फिर से मैं दिखाता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, प्ले किया मैंने, ये देखिए ये क्रॉल हो रहा है, गॉड इज वन क्रॉल हो रहा है। ये मैं फिर से ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए गॉड इज वन ये क्रॉल हो रहा है। आप चाहें तो आप इसका स्पीड कम, अगर कम करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो ट्रैक में जो आपने ये गॉड का जो टाइटल मैंने बनाया था इसे जरा ड्रैग करके जरा लंबा कर दें, उसके बाद इसे प्ले करें, उसके बाद देखिए स्पीड इसका कम जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एडोबी प्रीमियर प्रो CS3 के अंदर क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।